हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम मैं लाली वर्मा सभी बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ब्रेन हिंदी में डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा सातवीं से बारहवीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन हंड्रेड परसेंट फ्री प्रोवाइड करता है साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोज भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं शत प्रतिशत फ्री और ई बुक्स और बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसमें एमसीक्यू सैंपल पेपर पी वाई क्यू सब कुछ शामिल है तो बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ चलते हैं इस वीडियो की तरफ प्यारे विद्यार्थियों हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आर भाग दो का पाठ नौ जी हाँ काव्य खंड का पाठ नौ चैप्टर जो है रुबाइया और गजल शुरू कर दिया है आई होप आप सबने फर्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें रुबाइया क्या है गजल क्या है वो हम सब जान चुके हैं क्या आपको पता है भूले तो नहीं चलिए थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगी और इस वीडियो में हम चलेंगे अब उसी चैप्टर के एन सॉल्यूशंस पर जिसमें हम प्रश्न उत्तर देखेंगे तो प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें थोड़ा सा हम पुनरावलोकन कर लें कि हमने आखिर क्या पढ़ा था आखिर रुबाइया क्या है गजल क्या है रुबाइया में क्या बताया है फिराक गोरखपुरी जी ने और गजल में क्या बताया ठीक है थीके? तो रुबाइयाँ पहले आप मुझे ये बताइए कि फिराक गोरखपुरी जी का जन वास्तविक नाम क्या है हाँ बताइए याद करके बताइए कई बार मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए देखेंगे नहीं ठीक <laughs> है तो अब मैं बात करूं यदि रुबाइया तो रुबाइया होता है चार पंक्तियों का काव्य जैसा लेकिन उसको हम काव्य नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें उर्दू फारसी मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है और इसकी प्रथम द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति का अंत जो रहता है वो समान मात्रा में लगी रहती है समझ में आया क्या होता है ये होता है कि जिसमें पहली दूसरी और चौथी पंक्ति समान मात्रा की होती है अब गजल की यदि हम बात करें तो गजल में अक्सर विरह वेदना या वियोग श्रृंगार रस का ही वर्णन किया जाता है यहां पर स्वयं कवि ने भी अपने अनुभवों को हम सबके समक्ष रखा है कि किस तरह से उनके मन में या हृदय में वेदना थी और उसको अपने काव्यों के माध्यम से बताया जाता है जब भी गज़ल हम सुनते हैं आपने सुनी है जैसे जगजीत जी की गज़ल हो या पंकज उदास जी की गज़ल हो अब समझ में आता है कि हाँ वो बड़े ही दुखी होकर गाते हैं क्योंकि गजल जो है वियोग श्रृंगार रस का एक सबसे अच्छा उदाहरण मानी जाती है इसमें विरह वेदना अर्थात बिछड़ना जो श्रृंगार रस है जो प्रेम रस है उसका विरह वेदना या वियोग श्रृंगार रस का ही वर्णन किया जाता है क्लियर हुआ रुबाइया में हमने पढ़ा कि एक माँ और बच्चे के बीच के प्रेम स्नेह या वात्सल्य की भावना का पता चला हमें जिसमें अपने छोटे से बच्चे को गोद में झूला जुला झुलाती है कहीं उसको हवा में उछालती है नहला धुलाकर उसको सुंदर से कपड़े पहनाती है इस तरह से पकड़कर उसकी चोटी करती है फिर बच्चा खेलते खेलते उसको चांद दिख जाता है और वो कहता है मुझे ये खिलौना चाहिए तो फिर उसकी माँ या माँ क्या करती है माँ बच्चे के हाथ में आईना देती है और कहती है देख चांद तो जमीन पर उतर आया

सदियों से चला आ रहा है ये पौराणिक कथाओं के अनुसार भी हमने देखा कि जब श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट जाती है तो द्रौपदी अपने चीर से उनकी उंगली को बांधते हैं तब से श्री कृष्ण ने यह शपथ मतलब ये वचन लिया कि बहन मैं तुम्हारी आजीवन रक्षा करूंगा और तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है ठीक है ये रहा गजल में कवि कौन है बताइए फिर गोरखपुरी जी ने अपने हृदय की पीड़ा को कौन सी पीड़ा को विरह वेदना कौन सी विरह वेदना वियोग अपनी प्रेसी से बिछड़ने का दुख उन्होंने गजल के माध्यम से बताया है और गजल में हर एक पंक्ति अपने आप में स्वतंत्र अर्थ लिए होती है उस एक पंक्ति का भी अपने आप में एक अर्थ होता है ठीक है अब समझ में आ गया अब आशा करती हूं कि आप हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत भली भांति तरीके से दे पाएंगे और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें प्रश्नों को समझना चाहिए जब हमें प्रश्न समझ में आ गए तो प्रश्न फिर कोई तोड़ मोड़ के आड़ा टेढ़ा करके जैसा भी बता देगा हम उसका उत्तर लिख पाएंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं की यदि हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की हम बात करते हैं तो बोर्ड परीक्षाओं में कभी भी जो पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए रहते हैं एज इट इज वो नहीं आते हैं प्रश्न वही रहते हैं उत्तर भी वही रहता है लेकिन प्रश्नों का जो आ, मतलब तरीका है स्टाइल है उसको थोड़ा इस तरह से घुमा फिरा दिया जाता है कि यदि स्टूडेंट ने ध्यान पूर्वक सुना समझा है तब तो वो उस प्रश्न का अर्थ समझ जाएगा नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और कहेगा अरे यार ये कौन सा प्रश्न दे दिया समझ में आया तो सब कुछ समझने के लिए किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें काव्य का अर्थ समझना जरूरी है काव्य का भाव समझना जरूरी है तभी मैं आपसे कहती हूं कि ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे और जहां कहीं भी थोड़ा सा समझने में लगे तो थोड़ा पॉज कर लीजिए और आंखें बंद करके उसको रिवाइज कीजिए कि हां हमें समझ में आ गया है क्योंकि भाषा जब हम परीक्षाओं में लिखते हैं तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्रदान करने पर अच्छे परसेंटेज दिलवा सकती है चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करता है किसका है प्रश्न बताइए रुबाइया का है या गजल का है पहले तो आप ये बताइए शायर शायर मतलब फिराक गोरखपुरी जी शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करता है अर्थात राखी के लच्छे को जब बहुत सारी राखियां और धागे हो जाते हैं तो उनको लच्छ कहा है तो उसको बिजली की चमक की तरह कहकर क्यों बुलाता है उसके पीछे वो क्या कहना चाहता है कौन सा भाव है देखिए राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह सावन मास में, आता है। हिंदी में सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है इस समय आकाश में घटाएं आती है बिजली चमकती है चमकती है ना तथा उनमें बिजली भी चमकती है इस प्रकार सावन का जो संबंध घटासे है और घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई और बहन का है अर्थात घटा सावन का संबंध घटा से सावन के महीने में घटाएं छाती हैं बारिश होती ही है तो सावन का जो संबंध घटा से है और घटा का जो संबंध बिजली से है क्योंकि घटा छाती है तो बिजली आती है वही संबंध भाई का बहन से है अर्थात सावन नहीं तो घटा नहीं घटा नहीं तो बिजली नहीं बिजली नहीं तो चमक नहीं इसी प्रकार से यहाँ पर भाई और बहन का जो रिश्ता है वो अटूट है हमेशा पवित्र रहेगा और ये जो रिश्ता है वो सदियों से चला आ रहा है जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है समझ में आया तभी कहा है शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक इसलिए राखी को बिजली की चमक से कैसे जोड़ा है सावन के महीने में घटा छा जाती है बरसात का मौसम होता है घटा में बिजली कौंध जाती है बिजली चमक जाती है उसी तरह से रंग बिरंगी सितारे और मोती जड़े होते हैं राखियों में तो वो भी वो भी चमकते हैं जो भाई बहन के प्यार को चमकाते हैं या उजागर करते हैं क्लियर हुआ ठीक है इस तरह से यहां पर राखी के लच्छे और बिजली से संबंध बताया है अगला है प्रश्न खुद का पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है देखिए खुद का पर्दा खोलने से कवि ने क्या कहा है खुद का पर्दा खोलना यानी मान लीजिए हमारे मन में कोई दुख है कोई पीड़ा है और या फिर हमारे अंदर कोई कमजोरी है कमी है तो हम अपनी उस कमजोरी को या हम अपनी उन पीड़ाओं को किसी के सामने व्यक्त कर देना तो वो हो जाएगा खुद का पर्दा खोलना कवि के अनुसार ठीक है जैसे यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हृदय में पीड़ा है भले ही उसका मतलब वो पीड़ा भी कैसी जो हर किसी से व्यक्त नहीं कर पाएगा कोई अच्छा मित्र हो कोई अपना सा लगता है तब हम उसके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और एक और बात याद रखना है कभी ने भी सचेत किया है बिल्कुल हमें वन किया है कि हमें हर किसी के सामने अपने दुखड़ों का रोना कदापि नहीं रोना चाहिए अन्यथा उसका कोई वैल्यू नहीं रहती लोग हमें पागल कहते कहते होगी इसी में कुछ कमी तभी तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया हमारा साथ नहीं देते हैं वो मुंह पर भले ही कह भैया अरे बुरा हुआ लेकिन कहेंगे अरे जब ये ऐसा होगा ना तब इसके साथ ऐसा घट रहा है तो अपने दुखों को अपने तक सीमित रखना ही सबसे अच्छी बात होती है और जो हमारे अपने ठीक है उनको बया करने की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वयं हमारे हाव भाव या हमारा जो दिनचर्या है उसको देखकर समझ जाते हैं कि बात जरूर कुछ गड़बड़ है या कोई दुख इनको अवश्य है तो उनको हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं होती या फिर वो नहीं समझ पाए समय नहीं है या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब नहीं समझ पाते तो इसमें हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उन्हें बताना है जो वास्तविक रूप में हमारे हैं और हमारे अपने माता पिता हमारे अपने कुछ ऐसे भाई बंधु ऐसे मित्र जो वास्तविक रूप में हमारे सुख और दुख में हमारा साथ देते हैं अन्यथा सुख के सब साथी दुख में ना कोई मेरे राम तेरा नाम दूजा ना कोई तो यहां पर अक्सर यही है इस दुनिया में यदि आपके पास धन दौलत पैसा गाड़ी शौहरत सब कुछ है फिर देखिए आपके यूं ही भीड़ बढ़ती जाएगी मित्रों की अरे हमारे तो ये ये लगते हैं तो ऐसा ऐसा और यदि धन दौलत या आर्थिक स्थिति कमजोर है तो अपने खून के रिश्ते तक दूर हो जाते हैं यही जीवन की वास्तविकता है इसको आप समझ लीजिए ठीक है तो अब सफलता पाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है शिक्षा ठीक है जब हम शिक्षा से जुड़े रहते हैं और शिक्षा के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की तरफ सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे और कभी भी पैसों के पीछे या ये सोचना कि मुझे सफलता चाहिए सफलता चाहिए सफलता के पीछे मत भागना पैसों के पीछे मत भागना काम के पीछे भागना कर्म के पीछे भागना जब तुम काम करोगे जब आप कर्म करोगे तो अपने आप सफलता भी तुम्हारे पीछे आ ही जाएगी यहां पर यही है कि खुद का पर्दा खोलने से क्या आशा है खुद का पर्दा खोलने से आशा है स्वयं की कमजोरियों से पर्दा हटाना या फिर अपने आप में ये जानना यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा होता है बिल्कुल बहुत सही बात कही है अक्सर लोग बहुत सारे लोग इसकी शिकायत करना उसकी शिकायत दो व्यक्ति कोई खड़े ना तो वो तीसरे की बातें करेंगे तीन व्यक्ति खड़े तो वो चौथे की बात खड़े चार व्यक्ति खड़े तो कोई पांचवे की बात करेंगे मतलब दूसरों की निंदा करके ही व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता रहता है और यही है सबसे बड़े दुख का कारण खुद का पर्दा खोलने से आशा है स्वयं की कमजोरियों से पर्दा हटाना यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा होता है क्योंकि प्रशंसा भी वही करते हैं जो प्रशंसनीय होते हैं निंदा भी वही करते हैं जो स्वयं निंदनीय रहते हैं दैट्स इट इसमें कोई दो राय नहीं है इसलिए शायन ने कहा है कि मेरा पर्दा खोलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं मेरा पर्दा खोलने वाले अपना स्वयं का पर्दा खोल रहे हैं यदि कोई मुझे मेरी कमियों को दूसरों के सामने उछाल रहा है इससे कह दिया उससे कह दिया इससे कह दिया तो वो जो सामने वाले से कोई हम बात कहते हैं मान लीजिए ये ए है और ये बी है इसने इससे कहा कि पता है ये सी ऐसा है ये बड़ा ऐसा है इसको कुछ नहीं है मतलब दुनिया भर की बातें कर दी यदि बी समझदार है तो वो समझ जाएगा कि भाई सी से तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया अब तक मतलब यही बुरा है तो किसी के भी समक्ष किसी की बातें बुराई करना या निंदा करना यदि कोई आपसे किसी की निंदा कर रहा है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना कानों के होते हुए कानों का कच्चा मत होना आंखों के होते हुए आंखों का अंधा मत होना क्योंकि ये समाज कब कैसे मैन्युपुलेट कर देती है और हम हम मतलब इंसान अक्सर बातों में आ जाते हैं और बिना किसी बात का बतंगड़ बन जाता है ठीक है तो है जब उन्होंने कहा कि भाई मेरा पर्दा खोलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं जो मेरे बारे में निंदा कर रहे हैं तो वो समझ लीजिए स्वयं की निंदा कर रहे हैं ठीक तो खुद का पर्दा खोलने से आशा है स्वयं की कमजोरियों से पर्दा हटाना यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है समझ लीजिए इसलिए शायर ने कहा है कि मेरा पर्दा खोलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं अगला प्रश्न है किस्मत हमको रे, रो लेवे है हम किस्मत को रो ले इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है चर्चा कीजिए समझ में आया तनातनी द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट या अंतरद्वंद किस्मत के साथ शायर का द्वंद हुआ है शायर किस्मत को बुरा वाला कह रहा है और किस्मत शायर को कर्म कर्महीन कह रही है शायर क्या कहता है कि अरे मैंने कितना भी कार्य किया मेरी तो किस्मत ही खराब है शायर का कहना है और किस्मत का कहना क्या है कि लगता है इसके कर्म में ही कोई दम नहीं है या कर्म हीनता है इसलिए इससे कोई काम नहीं हो रहा तो किस्मत हमको रो ले है हम किस्मत किस्मत भी हम पर रो रही है और हम भी किस्मत के लिए रो रहे हैं ठीक है थीके? तो कवि की किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया कवि के अनुसार कवि की किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया अर्थात भाग्य ने उसका कभी साथ नहीं दिया कितना भी या कितनी भी मेहनत की कितना भी प्रेम और लाड़ दुलार दिया लेकिन बदले में उसको दुत्कार मिली या फिर उसका मतलब कहते ना कि उसका साथ कभी नहीं दिया उसको दुख ही मिला है उसको पीड़ा ही मिली है बदले में कवि की किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया अपने भाग्य से कभी भी संतुष्ट नहीं रहा जो उसने जीवन में चाहा उसे नहीं मिला उसी प्रकार किस्मत उसकी कर्महीनता को दोषी ठहराती है कवि ने क्या कहा कि किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया क्या कर रहे हैं किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया अपने भाग्य से वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहा और जो उसने जीवन में चाहा, वह उसे कभी नहीं मिला ठीक उसी प्रकार अब किस्मत क्या कहती है उसी प्रकार किस्मत उसकी किसकी शायर की कर्महीनता को दोषी ठहराती है शायर किस्मत को बुरा कहता है किस्मत से मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ नहीं किया या मेरी किस्मत ने मेरा कभी साथ नहीं दिया अब जो मैंने चाहा वो मुझे भाग में कभी नहीं मिला इस तरह से वो किस्मत को दोषी ठहरा रहा है और किस्मत स्वयं क्या कह रही है किस्मत उसकी कर्महीनता को दोषी ठहराती है कर्महीनता मतलब कर्महीन मतलब कर्म करने में ही बिल्कुल पीछे था या कर्म को इसने अच्छे से नहीं किया कर्महीन है ये कर्तव्यहीन है मतलब बिल्कुल कर्म नहीं करता है किस्मत का कहना है कि ये कर्महीनता कर्म है कर्महीन है ये इसने कर्म नहीं किया इसलिए दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं ब्लेम लगाते हैं एक दूसरे पर शायर किस्मत को और किस्मत शायर पर ठीक है टिप्पणी करना है हमें गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व अब ये बताओ कि गोदी के चांद और गगन के चांद गोदी में बिठा के क्या करती है जब बच्चा कहता है कि मुझे वो चांद चाहिए मुझे उस चांद से खेलना है जिद करता है तो वो अपने गोदी के चांद को अर्थात अपने प्यारे से बेटे को अपने प्यारे से बच्चे को दर्पण या आईना दर्पण समझते हो ना दर्पण आईना भी कहते हैं ठीक जिसको अंग्रेजी में मिरर कहते हैं तो उसने अपने लाड़े को अपने दुलारे को आईना दिया और कहा देख चांद तो जमीन पर उतर आया है यहां पर मां और बेटे की वात्सल्यता को दर्शाया अर्थात माँ और बेटे के प्रेम को दर्शाया है दूसरा है सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व सावन की घटाओं का क्या था जैसे राखी के लच्छे की तरह सावन की बिजली की चमक तो सावन का जो रिश्ता घटा से है घटा का जो रिश्ता बिजली से है तो वही रिश्ता राखियों का चमक से है और वही रिश्ता भाई का बहन से है इस पर हमें टिप्पणी करना है तो आइए देखते हैं गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता इस पंक्ति में गोदी के चांद से आशा है बच्चा और गगन के चांद से आशा है आसमान में निकलने वाला चांद इन दोनों में गहरा और नजदीकी रिश्ता है कैसा रिश्ता है नजदीकी जिस प्रकार गगन का चंद्रमा रात्रि के गहन अंधकार को मिटाकर संपूर्ण संसार में उजाला कर देता है अमावस्की की रात कैसी रहती है काली काली और जब चांदनी रात होती है तो चारों तरफ दूध सा उजाला छा जाता है चारों तरफ स्वच्छता आ जाती है तो जिस प्रकार गगन का चंद्रमा गगन मतलब आकाश का चंद्रमा रात्रि के गहन अंधकार को मिटाकर संपूर्ण संसार में उजाला ठीक है उजाला कर देता है उसी तरह से उसी प्रकार गोदी का चांद अर्थात मां का बच्चा अपने असीम सौंदर्य और हसी किलकारी और रूपी प्रकाश से माँ के आंगन को प्रकाशित कर देता है समझ में आ गया जिससे आंगन चमक उठता है देखो क्या रिश्ता है गगन के चांद और बच्चे के गोदी के चांद और गगन के चांद में क्या रिश्ता है गगन का चांद तो आकाश में खिलता है और जब गगन का चांद अर्थात आकाश में जब चांद पूरी तरह से आता है तो चारों तरफ रोशनी बिखेर देता है शीतलता बिखेर देता है ठीक है उसी प्रकार से गोदी का चांद अर्थात बच्चा जब बच्चा हंसता है उसकी किलकारियां गूंजती हैं तो पूरा आंगन मानो झूम उठता है तो जिस प्रकार से गगन का चांद पूरे जग को रोशन कर देता है उसी प्रकार से छोटे बच्चे की हंसी किलकारियां ये हंसी और किलकारियां रूपी प्रकाश माँ और संपूर्ण घर आंगन को प्रकाश से भर देता है ठीक है यही बताया है सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व अभी बताया ना मैंने कि सावन अर्थात बरसात का मौसम बहुत अच्छी बरसात होती है और जब घटाएं छा जाती है चारों तरफ कौली कौली घटा छा गई है घटा छाती है तो बिजली चमकती है ठीक है और बिजली चमकती है तो अच्छे से बहुत प्यारी सी बारिश हो जाती है किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो जाती है रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार सावन के महीने में आता है बारह महीने याद है आपको हिंदी मास चैत्र वैशाख सावन भादों क्वार कार्तिक अगहन पूस, माग, फागुन ठीक है सावन के महीने में क्या कौन सा त्योहार आता है रक्षाबंधन का चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण में आए रक्षाबंधन भादो क्वार। कार्तिक में आए दिवाली कार्तिक के बाद कुछ कार्तिक अगन पोष माघ फागुन फागुन में आती है होली तो ये तीन त्यौहार ऐसे हैं जो हिंदी तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं सावन में रक्षाबंधन कार्तिक में दीपावली का त्यौहार और फागुन में होली का त्यौहार ठीक है सावन मास की पूर्ण पूर्ण मासिक को या पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णमासी को होली का त्यौहार ठीक है रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार सावन के महीने में आता है सावन मास में जब काली घटाएं असीम आकाश में छाई रहती हैं, तभी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है सावन का जो संबंध घटाओं से है रक्षाबंधन का संबंध संबंध वही राखियों से है सावन में जैसे काली घटाएं आकाश में छा जाती हैं, वैसे ही रक्षाबंधन के पर्व पर रंग बिरंगी लच्छों से युक्त तो राखियां चारों ओर दिखने लगती हैं जैसे घटाओं में जो काली काली घटाएं छाती और बिजली चमकती है ना वैसे ही चारों तरफ राखियों के लच्छे ही लच्छे नजर आते हैं घटाओं में जैसे बिजली चमकती है ठीक वैसे ही राखियों में लच्छे चमकते हैं जिन्हें बहनें भेंट स्वरूप अपने भाइयों को बांधती हैं। और ये पवित्र जो त्योहार है भाई बहन के रिश्ते का जो त्योहार है इसलिए यहाँ पर सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व समझ में आया आया ना वेरी नाइस nice. ये थे हमारे प्रश्न आशा करती हूं ध्यान से आपने सुना है तो समझ में अवश्य आए होंगे इसी तरह से यदि कोई भी प्रश्न आया चूंकि अब आपको व्याख्या पता है भाव पता है कवि या शायर की जो भी भावनाएं है वो या जो भी अनुभव है वो सब पता है तो अब प्रश्न कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आएगा तो आप उत्तर लिखिएगा इसी प्रकार से हम हर एक पाठ, हर एक विषय के वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे जिसमें ना केवल विषय की पढ़ाई बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है तो बने रहिए हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्थ रहिए खुश रहिए बाय थैंक यू सो मच